दिस इज रेटल फ्रॉम रेटल स्नेक। ये हमेशा आश्चर्यजनक होता था कि कैसे वो अपनी पूंछ से झुनझुनी आवाज निकालता था, पर जब आप इसके रेटल के अंदर देखोगे तो ये खाली होगा, जो कि फिर से थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसा लगता था कि इसके अंदर दाने होंगे जो हिलने पर आवाज करते होंगे, बट ये तो खाली है। तो अब समझते हैं इसके पीछे की साइंस को। जब आप इसके एक पीस को बाहर निकालोगे तो वो एक एक टुकड़े में बाहर आएगा, और ये देखो कैसे ये टुकड़े एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। नाउ नोटिस कीजिए कितने सही तरीके से ये सारे पीस कनेक्टेड हैं, और इनके बीच का ये जो स्पेस है यही साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है जब रेटल स्नेक अपनी पूंछ को हिलाता है ना सरप्राइजिंग। इसी तरीके के सरप्राइजिंग फैक्ट के लिए जुड़े रहिए फोरेंट से। थैंक यू।